वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने तकरीबन एक से डेढ़ महीने पहले एक ज़ेब्रोनिक्स का साउंड बार 9102 प्रो खरीदा था, जिसका मैंने चैनल पे अनबॉक्सिंग वीडियो भी रिलीज किया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पहले नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट आप थोड़ा सा टाइम निकाल के वो वीडियो जरूर देख लेना। छोटा सा वीडियो है, एक से डेढ़ मिनट का। तो बेसिकली आई एम श्योर जो लोग साउंड बार में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस चीज को बखूबी समझते होंगे कि जब भी आप कोई नया साउंड बार लेते हो तो जो स्पीकर होता है वो उस पीक लेवल की साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, बिकॉज उसको बर्न इन करना बहुत जरूरी होता है। और आप जब उसको इनिशियली यूज करना शुरू करते हो तो स्पीकर जो है वो खुलता है प्रॉपर तरीके से और फिर वो अपनी एक एक्चुअल प्रॉपर साउंड प्रोड्यूस कर पाता है। तो हमने भी कुछ ऐसा ही किया है, एक से डेढ़ महीना हो गया है इसको यूज करते हुए। काफी तरह का म्यूजिक प्ले किया है, मूवीज भी देखी हैं, बेस लेवल भी एक्सपीरियंस किया है। तो अब मुझे लगता है कि एक डेढ़ महीने में काफी हद तक बर्न इन हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा इसका वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आप एक प्रॉपर साउंड से रिलेटेड, इसके आउटपुट से रिलेटेड कुछ बताओ। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको बनाया जाए। आई एम श्योर आपने काफ़ी सारे वीडियोस विजिट किए होंगे इस साउंड बार से रिलेटेड, सो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके साथ क्या आता है क्या नहीं आता उसमें नहीं जाऊँगा। बेसिकली हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे एक महीने यूज़ करने के बाद किस तरह का साउंड आउटपुट ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसका बेस लेवल कैसा है, वोकल्स कैसे हैं, क्या वो सराउंड आउटपुट आपको पूरी तरह से दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। सो जस्ट क्विकली एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, एज आई सेड के मैं ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि क्या आता है कैसे आता है। तो बेसिकली ये दो पार्ट्स में आता है, एक आता है इसका साउंड बार जिसके अंदर चार स्पीकर्स रहते हैं, दो वोकल्स के लिए रहते हैं और दो सराउंड साउंड को टेक केयर करते हैं, और साथ में इसका एक सबवूफर आता है। तो इफ यू आर समवन जिसको बेस पसंद है और साथ में क्लियर वोकल्स भी चाहिए तो आई थिंक आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होने वाला है। बेस में भी एक्चुअली दो थे तीन तरह का बेस होता है, एक होता है लोअर बेस, एक होता है मिड बेस और एक होता है अपर बेस। तो बेसिकली इसमें एक तरह से आपको बैलेंस मिल जाता है, बट ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है टूवर्ड्स दी लोअर बेस। तो जब भी हम कोई मूवीज देखते हैं या थिएटर के अंदर जाके मूवी देखते हैं तो हम वो फील कर पाते हैं जब कोई एकदम से कोई चीज गिरती है या कोई साउंड ऐसे ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर हम लोग फील कर पाते हैं कि वो कुछ धमाका सा हुआ है। तो उस तरह का फील अगर आप पसंद करते हैं मूवी देखते हुए तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए है। 2.1 चैनल बार होने के बावजूद ये एक प्रॉपर सराउंड साउंड डिलीवर कर पा रहा है। छोटी छोटी वो जो डिटेल्स होती हैं जो एक साउंड के अंदर सुनाई देनी चाहिए वो इसमें सुनाई देती हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी फाइटर, जिसके अंदर काफ़ी फाइट वाले सीक्वेंसेस सीन्स थे और उसके अंदर मैंने नोटिस किया कि बहुत ही बेहतरीन तरह से साउंड को इसने प्रोड्यूस किया। आई कुड फील द सराउंड साउंड जब हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था तो ऐसा लगता था कि छत के ऊपर ही कोई है, और जब कोई ब्लास्ट वाला सीन आता था या कुछ गिरता था तो प्रॉपर बेस निकल के आता था, थंपिंग बेस जो कि एक्चुअली में आपको फील होता है। एक तो बेस होता है जो आपको सुनाई देता है और एक बेस होता है जो आपको फील होता है कि आपके एक्चुअली अंदर से निकल के आता है, जाता है, ट्रैवल करता है और आपको लगता है यार एक्चुअली आसपास कुछ हुआ है, कुछ हिला है। तो उस तरह का एक्सपीरियंस मैंने नोट किया।
मेरे पास कोई स्पेशल तरह का ऑडियो इक्विपमेंट तो है नहीं जिससे मैं एक प्रॉपर साउंड रिकॉर्ड कर सकूं और आपको वीडियो पे उसका एक्सपीरियंस करा सकूं, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अंडर 10,000 अगर आप साउंड बार ख़रीदना चाहते हो तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हैं। आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा साउंड से रिलेटेड आपको आउटपुट नहीं सुना सका बिकॉज मेरे पास उस तरह के डिवाइस नहीं है जिससे मैं उसको आपको एक्सपीरियंस करा सकूं, बट इन केस इफ अगर आपकी कोई किसी भी तरह की क्वारी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं डेफिनेटली उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, बट मैं क्लियरली आपको ये एडवाइस करूंगा, गो फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।